अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। टुडे वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट अनदर पेज ऑफ आवर समर टास्क। आवर टॉपिक इज एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस विद द गिवन वर्ब्स। ओके, नाउ यू हैव गिवन द वर्ब्स इन द बॉक्स। को वर्ब्स मेंशन है, ठीक है। व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर बेसिकली द एक्शन वर्ड्स विच शो एन एक्शन। Okay, now what is present continuous tense? Present continuous tell us about something which is happening at the time of speaking. Okay, for example, right now I am telling about how to attempt your summer task. So it is in present continuous tense. Okay. Now अब आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, जो ऊपर बॉक्स में आपको ये वर्ब्स दिए हुए हैं इनके साथ आपने इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंसेज को कम्प्लीट करना है, ठीक है जी। ओके, द फर्स्ट सेंटेंस इज The workmen are dash a house. Okay, workmen are dash a house. Workmen घर dash कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? Workmen क्या कर सकते हैं? घर को build कर सकते हैं. So here we will write building, बना रहे हैं a house, घर. Second is I am dash how to swim. Okay, how to swim आप किस तरह swim कर सकते हैं? तो swimming आप सीखते हैं. So we will write I am learning how to swim. Number third is Uncle Jamshed is डैश इज कार। ओके, अब आप कार को क्या कर सकते हैं? वॉश कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। सो हेयर वी हैव गिवन द वर्ड पॉलिशिंग, सो वी विल राइट अंकल जमशेद इज पॉलिशिंग हिज कार। होप सो स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड एंड कैन डू इट ऑल बाय योर सेल्फ। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट पेज। वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन एंड आवर सेकेंड क्वेश्चन इज रीड द सेंटेंसेज। Write SP for simple present and PC for present continuous in front of the sentences. Okay, now you have given few sentences. You have to write SP for simple present if the sentence is simple present and PC present continuous for the sentence which is present continuous. Okay, what is simple present? Simple present tense shows talk basically talk about routines. Okay, आपकी क्या routine है? Daily आप कोई काम सेम टाइम पे जो करते हैं उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमें वो बताता है। एंड सेकेंडली इट शोज हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स, कितनी दफ़ा के कितनी बार कोई चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल आई गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। अब आप स्कूल जो है वो बस से जाते हैं, तो इट इज़ अ रूटीन के डेली ही आप बस से जाते हैं, किसी और चीज़ से नहीं जाते, तो इट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। या आप ये कह सकते हैं द अर्थ इज राउंड, ठीक है, ज़मीन गोल है, इट इज़ अ फैक्ट, सो यू कैन नॉट चेंज इट, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, सो इट विल बी ऑल्सो अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। वट इज एंड हाउ इफ वी यूज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका सब्जेक्ट जिसके काम बारे में बात हो रही होती है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ओके, वट इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ओके, any action which is happening at the time of speaking when I am talking to you and anything which is happening right now, it is in present continuous. For example, I am telling you how to solve your summer task, so it is in a present continuous tense that we are still doing the work while we are speaking about it. Okay, how we form it? Present continuous ko hum banate kis tarah se? Subject plus is am are plus वर्ब प्लस आई एन जी। ओके, वी यूज आई एन जी, इज आर एम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके जी, नाउ द थिंग इज इजी वर्ड्स में आपको एक दफ़ा फिर समझा देती हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस वो होता है जिसमें कोई भी काम जिस वक्त हो रहा होता है, कंटिन्यू होता है, जारी होता है, उसके बारे में बात हो रही होती है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। नंबर वन सेंटेंस इज आई प्ले टेनिस। ओके, मैं टेनिस खेलता हूँ, इट विल बी ना, यानी अक्सर आप खेलते हैं, so it will be a simple present tense, so you will write sp in front of it. Next is birds do not like milk. Okay, it is a fact, reality, kisi bhi bird ko aap milk peete nahi dekhte, so it will be also a simple present tense. The third is three friends are traveling in the jungle. Teen dost jungle ke andar safar kar rahe hain. Now wo safar kar rahe hain, there is ing and still their journey is continue, वो अभी सफ़र कर रहे हैं, वो पहुँचे नहीं हैं अपनी मंजिल पे, so that's why it is a present continuous, so we will write PC in front of it. The next is the sun sets in the west, सूरज मगरब में गरूब होता है, it is a fact, it is a real thing, so it will be a simple
प्रेजेंट टेंस, इट इज़ अ रूटीन डेली, सन जो है वो वेस्ट में ही सेट होता है, कहीं और नहीं होता। द थर्ड इज़ इट इज़ नॉट रेनिंग, ओके अगेन ING आ गया और ये भी पता लग गया कि अभी बारिश नहीं हो रही है एट दैट टाइम ऑफ द स्पीकिंग, यानी इस टाइम बारिश नहीं हो रही, सो इट विल बी अ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो स्टूडेंट होप सो आपको समझ आ गया होगा और अब आप इजीली अपना समर टास्क अटेम्प्ट कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़, यमान अल्लाह।